गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे प्रोग्राम में। और बात करूंगी समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को लेकर, आजम खान पे स्मृति ईरानी से लेकर सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन से लेकर सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमन, मिमी चक्रवर्ती, लॉकेट चटर्जी और भी अनगिनत जितनी भी विपक्ष में नेता थे, महिला सांसद थी, सिर्फ सत्ता पक्ष को नहीं सिर्फ विपक्ष में जितनी महिला सांसद थी, सब ने एक सुर में कहा आजम खान के खिलाफ एक्शन लो, आजम खान को माफी मांगनी चाहिए। ये सदन है और सदन की कहीं ना कहीं गरिमा को भंग करने की कोशिश की है आजम खान ने, मंदिर है और मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की है आजम खान ने। सारे महिला सांसद और सारे पुरुष सांसद, यहाँ तक कि सड़कों पर भी लोग आजम खान की खिलाफत कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे एक महिला के खिलाफ इस तरह का बयान दे दिया जो कि इतने सम्मानीय ओहदे पर बैठी थी। जब वो सम्मानीय ओहदे पर बैठी महिला के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना बेतुका, इतना घटिया कमेंट कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आम महिला की तो उनकी नज़रों में कोई इज्जत होगी ही नहीं, तब तो वो न जाने कैसा व्यवहार करते होंगे आम महिला के साथ। अब ऐसे में मैंने महिला सांसदों की बात की, लेकिन एक ऐसी महिला सांसद हैं जिनका बोलना बहुत ज़रूरी था, लेकिन उनकी चुप्पी बहुत से बातों को बयां कर रही है और कहीं ना कहीं अब इस पर सियासी जो है रंग चढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को लेकर। सोनिया गांधी भी बकायदा लोकसभा में बैठी रहती हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस मामले पर कोई भी बयान नहीं दिया है। हालांकि जो कांग्रेस तरफ से वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने खुद ये कहा है कि बहुत गलत हुआ है, आजम खान को माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि उन्होंने बीजेपी को भी पानी पी कर कोस दिया कि पीएम मोदी ने किस तरह से सोनिया गांधी के खिलाफ गंदे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था और उन्हें इटली का संबोधित करके उनके खिलाफ जैसी भाषा का इस्तेमाल किया था वो भी कांग्रेस नहीं भूलेगी। यानी बीजेपी को आज अगर बुरा लग रहा है कि उनकी महिला सांसद को आजम खान ने बोला, तो बीजेपी को अपने में भी झांकना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर ये अभी फिलहाल बात कही है कि आजम खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी बीच मैं आपको बता दूं कि विशेषाधिकार प्रस्ताव आ सकता है, जो कि आजम खान ने माफी नहीं मांगी है और सबने ओम बिरला को लिखित सहमति दी है। ऐसे रिपोर्ट्स में दावा आया है सामने कि आजम खान को निष्कासित करो, बर्खास्त करो, उनकी सदस्यता रद्द करो, क्योंकि उन्होंने माफी नहीं मांगी है। अब ऐसे में इसी बीच सोनिया गांधी को लेकर सवाल उठता है कि जब वो इतनी सीनियर लीडर हैं लोकसभा में और रायबरेली से सांसद चुनी गई हैं, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं इस मसले पर अपना बयान दिया। उनका बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि वो लोकसभा में जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उसमें वो कहीं ना कहीं सबसे उम्रदराज सांसद हैं, सबसे ज़्यादा, और महिला सांसद होने के नाते उनका भी बयान सामने आना चाहिए कि आखिर वो क्या सोचती हैं। वो विपक्ष में हैं वो बात की बात है, लेकिन कम से कम वो एक महिला तो हैं, तो एक महिला सांसद होने के नाते उन्होंने रमा देवी के लिए जो कमेंट आजम खान ने पास किया उस पर उन्होंने अपना कमेंट क्यों नहीं दिया, उस पर अपनी राय क्यों नहीं व्यक्त की। जाहिर सी बात है सोनिया गांधी हर मसले पर मोदी सरकार को घेरती हैं, घेरना भी चाहिए। विपक्ष का काम यही है कि सत्ता पक्ष की कमियों को निकाल कर जनता के सामने रखें और उसे बहसबाजी करें और गलतियों को निकालें ताकि पता चले कि सत्ता पक्ष आखिर क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। लेकिन सोनिया गांधी ने अभी तक इस मामले पर कुछ क्यों नहीं बोला? क्या आजम खान के स्टेटमेंट को उन्होंने नहीं सुना? उन्होंने सुना, उनकी तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने अपना पक्ष तो रखा, लेकिन सोनिया गांधी ने कोई अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? उन्हें भी कम से कम इस मामले पर अपनी राय रखनी चाहिए थी कि आखिर उन्होंने किस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया है। स्मृति ईरानी मैंने सुना कि बहुत जोश में, बहुत ही बहुत कड़क मिजाज में उन्होंने सदन में बात रखी कि मैंने अपने राजनीतिक सामाजिक इतिहास में आज तक कभी नहीं देखा कि कोई पुरुष ये कहता हो कि मैं आपकी आंखों में आंखें डालना चाहता हूं। यानी कि स्मृति ईरानी का जोश व खरोश तो एक तरफ देखने को मिल ही रहा था, तो वहीं पर जो नए लोग जो महिला सांसद चुनकर आई हैं लोकसभा में बैठी हैं, उन्होंने भी साफ साफ आजम खान को निशाने पर लिया कि आजम खान के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सोचिए ज़रा, तो फिर ऐसे में सोनिया गांधी ने आखिर क्यों चुप्पी साध रखी है? ये बातें हर किसी को खटक रही हैं और कहीं कहीं आजम खान के इस मामले में सोनिया गांधी भी फंस गई कि आखिर वो चुप क्यों हैं, उनकी चुप्पी का राज क्या है। और जाहिर सी बात है कि जब वो इस तरह का एक रवैया अख्तियार करेंगी तो जाहिर सी बात सत्ता पक्ष की महिला सांसदों को एक मौका मिलेगा सोनिया गांधी को भी निशाने पर लेने के लिए। जाहिर सी बात है कि अगर अभी इस वक्त अगर बीजेपी का रसूख लोकसभा में देखा जाए तो उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट सबसे ज़्यादा स्मृति ईरानी कर रही हैं, तो स्मृति ईरानी जिन्हें जिस तरह से बात रखी थी रमा देवी मामले पर, उस हिसाब से साबित हो रहा था कि स्मृति ईरानी को चीज़ें पसंद नहीं आ सकती हैं। सोनिया गांधी का जो रवैया है उसको भी वो कहीं ना कहीं निशाने पर ले सकते।
सकती हैं, क्योंकि जब एक सुर में सारी महिला सांसद इस बात को बात की आलोचना कर रही हैं, क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी की खामोशी क्यों है? आखिर सोनिया गांधी खामोश क्यों है? और शायद ये बात स्मृति ईरानी को भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इस तरह का हो हल्ला हो रहा है, लगातार इस मसले पर बवाल हो रहा है, लेकिन सोनिया गांधी ने अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। कांग्रेस की तरफ से तो स्टेटमेंट आ गया है कि भाई जो हुआ गलत हुआ, आजम खान को माफ़ी मांगनी चाहिए, हम साथ में हैं और आजम खान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सी बातें हैं, भले वो राजनीति का ही क्यों ना हिस्सा हो, लेकिन फिर भी जब हर बात पर आरटीआई ऐसे मसले पर घेर रही हैं सोनिया गांधी मोदी सरकार को, तो कम से कम महिला सांसद की के सम्मान के लिए वो एक बतौर महिला सांसद होते हुए तो खड़ी हो सकती हैं। विपक्ष क्यों वो क्यों सोच रही कि विपक्ष में हूँ इसलिए ऐसा मैं नहीं बोलूँगी? कुल मिलाकर उन्हें खुद भी अपना बयान देकर साबित करना चाहिए कि जब महिला सांसद के सम्मान की बात आएगी तो सारी महिला सांसद एक हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल सोनिया गांधी से इस बात की उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन अभी फिलहाल वो कुछ इस तरह ही करते हुए नजर आ रही हैं। और शायद इस बात पे शायद स्मृति ईरानी का भी गुस्सा फूट सकता है, कि क्योंकि वो एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से एक अपनी तरफ से बेबाक और सुषमा स्वराज की तरह ही एक तेज सरदार महिला के तौर पर नजर आती हैं लोकसभा में, और जिस तरह से उन्होंने रमा देवी के मामले पर बोली है अपनी बात, उस हिसाब से साबित होता है कि स्मृति ईरानी का ओहदा तो पार्टी में है ही, और अब हर तरीके से अमित शाह और पीएम मोदी ने उन्हें छूट दे रखी है कि आप किसी भी मसले पर घेरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और अगर पार्टी पे कोई भी आ चाहती है तो आप वहाँ पे ढाल बनकर खड़े रहिए, और आप अपनी तरफ से आपको अधिकार मिलते हैं कि आप अपनी तरफ से बोल सकती हैं, घेर सकती हैं पार्टियों को। तो ऐसे में कुल मिलाकर जिस तरह से स्मृति ईरानी ने इस मामले पे हो हल्ला किया है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो है अब सोनिया गांधी की खामोशी पर भी लोग सवाल कर सकते हैं कि आखिर सोनिया गांधी खामोश क्यों हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक महिला सांसद का मसला है और एक महिला सांसद ही नहीं बोल रही हैं, तो फिर इसमें कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा ही, वो भी इतनी सीनियर लीडर जो कि एक कांग्रेस पूर्व अध्यक्षा भी रह चुकी हैं, चेयरपर्सन हैं वो, रायबरेली को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सांसद रही हैं लगातार कई सालों से, तो ऐसे में परिपक्व राजनेता हैं, महिला राजनेता हैं, एक पार्टी को चला रही हैं, एक पुरानी राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस यानी कि पुरानी एक पार्टी है जिसको वो चला रही, जिसका दारोमदार वो कई सालों से संभाले हुए हैं अपने कंधों पर, बीमार होने के बावजूद इतना काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे इस बात की तो उम्मीद हर कोई करता है कि कम से कम एक महिला सांसद होने के नाते महिला सांसद के सम्मान में तो बोल सकती हैं, क्योंकि जब आजम खान ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, ऐसा तो नहीं कि उन्हें ये बात उन तक नहीं पहुंची होगी, जाहिर सी बात है ये बात उन तक भी पहुंची होगी, और ऐसे में अगर उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया है तो जाहिर सी बात है वो भी कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले पे फंसती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि सोनिया गांधी इस मामले पर अपनी खामोशी तोड़ती हैं या फिर चुप्पी साधे बैठी रहती हैं। नमस्कार।